बस दो तीन बातों से परहेज करो, एक तो गीबत ना करो। तो दो तीन बातों से परहेज करें जो फरमा रहे, एक तो गीबत ना करो और किसी मुसलमान के मुताबिक बदजनी ना करो। किसी मुसलमान के मुताबिक बदजनी ना करो, सुहेजनी ना करो और किसी मुसलमान के साथ झगड़ा ना करो। किसी मुसलमान के साथ झगड़ा ना करो। हुजरे में थे तो माया के मुसलमान की कमी नजर आती है, तो ऐसा है जैसे आदमी शीशा देखता है तो शीशे में अपने ही कमी नजर आती है। तो जिस मुसलमान में कमी नजर आई ये तुम्हारी कमी है। जिस मुसलमान में कमी नजर आए इसका मतलब ये है कि तुम्हारे में ये कम। अल्लाह पाक से मांगे, अल्लाह की जात बेऐब है, अब मेरे साहब मासूम है, अब उसे देखकर मलकाने तक जिसके सिर में छोटी है इसके अंदर के इजाद देखते मुसलमान हो तो कमी तो वहां से लेकर वहां तक है। फरमाया अल्लाह की जात तो बेआब है, बड़े हजरत ने फरमाया, और अंबिया है मासूम, बाकी हजरत अबू बकर से लेकर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो मलकाना जिसके सर पे चोटी है अपने आप को सिर्फ मुसलमान कहलाता है वो जो है ऐब से खाली नहीं है। ये जन्नत वाले रास्ते पे डालने के लिए आए, दोज़ख वाले रास्ते पे डालने के लिए नहीं है। इसलिए मुसलमानों की कमियों को मत बयान करो, जो कुछ भी कहो ऐसी ऐसे तरीके से कहें अल्लाह ताला नेकियों पे डाल अंदर की बात सुनी, कहने गए मैं जानता हूँ तो हौज काजी के ऊपर गए, वहां बाइबल वगैरह बिगड़ी थी वो दिखाई दे रहा है मुदर्रिस थे यहाँ, तो वो जो है हौस काजी गए वहां पे बाइबल बिक रही थी वो ले आए कि वो ईसाइयों के साथ जो है मुनाजा करूंगा। यहाँ आए तो हजरत जो है वो बयान फरमा रहे थे कि भाई गलत की तकदीर कब तक करते रहेंगे, सही को पेश करते रहो, सही को पेश करते रहो, गलत की तकदीर कब तक करते रहेंगे, सही को पेश करते रहो। हाँ या सलाम या। और फिर मुझे छुट्टी कब मिलती है, मुझे तीन महीने की छुट्टी नहीं मिलती थी। जो लोग के अल्लाह के रास्ते में गए हैं, जो उनके घरों की देखभाल करेगा, अपने बच्चों की देखभाल करेगा तो अल्लाह सवाब उसको भी देगा। हजरत ने फरमाया, बड़े हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने कि आज से फरमाया मुझे छुट्टी कम मिलती थी, फरमाया जो लोग अल्लाह के रास्ते में गए हुए हैं जो उनके पीछे उनके घर का देखभाल करेगा तो उसको भी आधा सवाब मिलेगा। जो जो बात काम कर रही है उनके लिए घर बैठे दुआ मांगेगा तो उनके साथ सवाब में शरीक है। जो जमाते काम कर रही है उनके लिए घर में बैठे दुआ मांगेगा तो ये भी उनके साथ सवाब में शरीक है। एक आदमी ने को हो गया बुखार, छुट्टी दे दी तो चल रहा है, अकेले इसमें बच सकते।